नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। जिसने भी अभी तक अपना एप्लीकेशन श्री श्याम क्लासेस शेयर नहीं किया है तो सभी भाइयों के पास में शेयर कर देंगे। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है CSWRI कहाँ पर स्थित होगा। यह अविका नगर में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा कि डबल साइड लाइन विधि किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका होता है। यह घोड़े को नियंत्रित करने का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इलास्टिरेटर उपकरण किस काम में लिया जाता है। तो यह बद्याकरण करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुर्गी में अंडवाहिनी का कौन सा भाग एल्बुमिन स्रावित करता है। तो जो मुर्गी का अंडवाहिनी का जो मैग्नम भाग होगा यह एल्बुमिन का श्रावण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं और कितने दिन तक पिलाया जाता है। तो यह 10% हिस्सा 3 दिन तक उसको पिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसे बोलेंगे ओविपोषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा दोस्तों कि सुअर का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है। ड्रॉप बोलेंगे सुअर के झुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी होती है। तो सानेर होगी, जो मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राठी किसका मिश्रण होती है। तो राठी सिंधी, साहिवाल, थारपारकर का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 14% मिल्क फैट तांबे जैसा त्वचा का रंग किसकी विशेषता होती है। कौन सी भैंस की विशेषता होगी। भदावरी भैंस की यह विशेषता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस एवं गाय में सबसे ज़्यादा लंबा दुग्ध काल क्रम से किसमें होता है। तो दोस्तों जो सबसे लंबा दुग्ध काल भैंस में होगा मैसाना में, और गाय में होगा जर्सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा कि शरीर का काला स्याह रंग जलेबी नुमा सींग किसकी विशेषता होती है। मुर्रा नस्ल की भैंस की ये विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल क्रमशः कौन सी होगी। तो सबसे भारी जो नस्ल होगी भैंस की जाफराबादी, और गाय की होगी कांकरेज मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी होती है। साहिवाल नस्ल। सवाई चाल किसकी विशेषता होती है। सवाई चाल कांकरेज गाय की विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पंच कल्याण के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है। 4% वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि डेयरी गाय का दूध काल एवं प्रसर्व अंतराल क्रम से कितना होगा। तो दूध काल जो होगा 10 माह का, और प्रसर्व अंतराल होगा 12 माह का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊंट के आमाशय या ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होगा है। आंसर होगा ओमेज्म भाग जो होता है अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है। जो मुर्गी होती है पशुधन की श्रेणी में नहीं आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा कि निम्न में से कौन एरुमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है। कुत्ता, सुअर, घोड़ा, ये तीनों के तीनों एरुमंथी नॉन रूमिनेंट्स आएंगे। जो ऊंट हो जाएगा यह सूडो रोमिनेंट्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बकरी का वैज्ञानिक नाम जो होता है कैप्रा हिरिकस होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा कि निम्न में से कुबड़ किसमें नहीं पाया जाता है। तो जो भैंस हो गई, विदेशी गाय हो गई, और मिथुन के अंदर दोस्तों कुबड़ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भेड़ में एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या कहा जाता है। भेड़ में एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, उसे बोला जाएगा टपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप के अंदर नहीं आती है। जो भदावरी होगी है गुजरात ग्रुप के अंदर नहीं आती है भैंस की नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी नस्ल मुर्रा के द्वारा ग्रेडिंग अप से तैयार की गई है। जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पाई जाती है। कौन सी नस्ल है, गोदावरी नस्ल, जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल के द्वारा ग्रेडिंग अप से तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी होगी, मुर्रा नस्ल। अगला क्वेश्चन है अपना कि नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है। जो टोडा होती है या नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि काले रंग की पूंछ की स्विच किस भैंस की विशेषता होती है, तो यह मेहसाना भैंस की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बकरी की नस्ल जिसमें सींग अनुपस्थित होते हैं, कौन सी नस्ल है बकरी की जिसके अंदर सींग अनुपस्थित होंगे, टागेन बरक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सानेन का उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है मेरे दोस्तों, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है अपना, बकरी के शरीर से बाल उतारना क्या कहलाता है, बकरी के शरीर से बाल उतारना क्लिपिंग बोला जाता है, क्या बोलेंगे, क्लिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बकरी की नस्ल जिसके अंदर रोमन नोज पाई जाती है, तो जो रोमन नोज होगी जमनापुरी एंग्लो न्यूबियन दोनों के अंदर पाई जाती है, आंसर लगाएंगे ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गाय के दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है, तो दोस्तों जर्सी के दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाएगी, कितनी, 5.5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल जिसके दूध में फैट सबसे कम होता है, दूध तो ज़्यादा होता है फैट कम होता है, जो HF होगी जिसे आप होलिस्टिन फ्रीजन बोला करते हैं, उसका दूध तो सबसे ज़्यादा होगा, फैट प्रतिशत सबसे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुहूरी में प्रसव के समय अंतिम बच्चे को जन्म लेना क्या कहलाएगा, जो सुहूरी में जो प्रसव होता है उसके समय अंतिम बच्चा पैदा होता है उसे क्या बोलेंगे, क्रेड कार्ड रंट, उपरोक्त सभी आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रेजर बुल को पाला जाता है, ट्रेजर बुल को दोस्तों हीट का पता लगाने के लिए पाला जाता है, किसके लिए, हीट का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर गाय की किस नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है, तो यह हरियाणा नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खुरेरा का कार्य क्या होता है, त्वचा की चमक बढ़ाना, बाह्य परजीवी को नियंत्रण रोकना, रक्त परिसंचरण बढ़ाना, उपरोक्त सभी खुरेरा का कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गाय की नस्ल जिसमें मलानी भी कहा जाता है, कौन सी नस्ल को मलानी के नाम से जाना जाता है, थार पारकर नस्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं शरीर का रंग बदलने की क्षमता किस गाय में पाई जाती है, दोस्तों थार पारकर के अंदर ये विशेषताएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम पालतू जानवर कौन सा होता है, प्रथम पालतू जानवर कौन सा होता है, कुत्ता होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से गाय की पहाड़ी नस्लें होती हैं, गाय की जो पहाड़ी नस्लें होंगी वो सीरी और पवार होती हैं, जो पहाड़ी नस्लें होती हैं गाय की। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीमार जानवरों को रखा जाता है किस में रखा जाता है, किस बॉक्स में रखा जाएगा बीमार जानवरों को, दोस्तों आंसर होगा आइसोलेशन बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गाय की सबसे भारी नस्ल जिसमें सवाई चाल पाई जाती है का उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है, आपको पता है सवाई चाल कांकरेज के अंदर पाई जाती है, अब उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा होगा, आंसर होगा आपका कच्छ का रण में पाई जाती है कांकरेज गाय का उत्पत्ति जो स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राठी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, यह बीकानेर के अंदर पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन निमारी गाय किसका मिश्रण होती है, निमारी जो गाय है दोस्तों किसका मिश्रण होगी, गिर और खिलारी गाय का मिश्रण होती है निमारी गाय। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल है, कौन सी नस्ल है जो गाय की बोझा ढोने वाली नस्ल होती है, आंसर लगाएंगे मालवी नस्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल कौन सी नहीं होती है, जो कांकरेज होगी ये दुधारू नस्ल नहीं होगी, बाकी तीनों की तीनों दुधारू नस्ल हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोंटगोमरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल जिसे लोला भी कहा जाता है, आंसर लगाएंगे साहीवाल नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो बीकानेरी ऊंट के आंख के ऊपर पाया जाने वाला दसाव क्या कहलाता है, उसे स्टॉप बोला जाएगा मेरे दोस्तों, क्या बोलेंगे, स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पोल्ट्री हाउस एवं गाय के आवास का लंबा अक्ष किस दिशा में रहना चाहिए, फटाफट से आंसर दे देंगे सभी भाई, राइट आंसर होगा पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु की पुल्लीकुलम नस्ल जो पोंगल उत्सव पर जलीकट के काम में ली जाती है, वह किस नस्ल की होती है, किस नस्ल की होगी दोस्तों, गाय की नस्ल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक डेयरी गाय को एक दिन में कितने लीटर पीने की पानी की आवश्यकता होती है, आंसर लगाएंगे 30 से 35 लीटर के पानी की उसे एक दिन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक गाय एक दिन में कितना गोबर खाद करती है, तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 से 30 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि खुर को काटना क्या कहलाता है, ट्रिमिंग बोला जाएगा खुर को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रांडिंग करने का उचित स्थान कौन सा होता है। ब्रांडिंग करने का उचित स्थान दोस्तों जांग होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ एवं बकरी की सबसे लंबी नस्ल क्रमशः कौन सी होती है। नल्लोर तो जो होगी भेड़ की और जमुनापुरी होगी बकरी की सबसे लंबी नस्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि देसी गाय को विदेशी गाय से कैसे अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों उसे कूबड़ के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। विदेशी गाय में कूबड़ नहीं पाया जाएगा, देसी गाय में कूबड़ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली भेड़ एवं बकरी की नस्ल क्रम से कौन सी होती है। जो सबसे ज़्यादा बच्चे देती है गैरोल भेड़ की हो गई, और ब्लैक बंगाल जो बकरी की नस्ल होती है, दोनों सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा। दोस्तों इसमें असत्य कथन होगा कि भैंस में कूबड़ पाया जाता है, भैंस के अंदर कूबड़ नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गाय में हीट का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। जल्दी सुबह के समय में जल्दी अपन हीट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक डेयरी यूनिट में प्रतिवर्ष छटनी दर कितनी होनी चाहिए। 25% एक वर्ष में छटनी दर उसकी होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डेयरी बार्न का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए। तो वो दोस्तों उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि FMD प्रकोप के समय सबसे अच्छा कीटाणुनाशक कौन सा होता है। FMD प्रकोप के समय सबसे अच्छा जो कीटाणुनाशक होगा दोस्तों 4% Na2CO होगा। दोस्तों यहाँ पर एंटीसेप्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कीटाणुनाशक की बात कर रहे हैं, ठीक है, देख लेना, क्योंकि सभी भाइयों का अधिकतर आंसर आता है KMnO4। दोस्तों KMnO4 जो होगा सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक होगा, लेकिन FMD प्रकोप के समय जो सबसे अच्छा कीटाणुनाशक होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4% Na2CO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विदेश से लाए हुए पशुओं को निश्चित समय के लिए पोर्ट पर निगरानी में रखना क्या कहलाता है। क्वारंटाइन, जो आपको कोरोना काल में भी देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस नस्ल को ढीली त्वचा के होने की वजह से लोला कहा जाता है। साहीवाल को लोला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से घोड़े की चाल होती है। रोट, कैंटर, ग्लोप, ये उपरोक्त सभी घोड़े की चालें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुर्गी कितने सप्ताह की उम्र में अंडा देना शुरू कर देती है। तो वह 22 सप्ताह की उम्र में अंडा देना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भेड़ की सबसे बड़ी एवं सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है। जो लिंकन होती है भेड़ की सबसे बड़ी एवं भारी नस्ल बताई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में सबसे अच्छी ऊन किस भेड़ से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों मैरिनो से विश्व में सबसे अच्छी ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंडियन मैरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, आंसर लगाएंगे चोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहरे प्राप्त की जाती हैं, किससे प्राप्त की जाती हैं, बकरी से मोहरे प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गाय की नस्ल जिसका दुग्ध काल सबसे लंबा होता है कौन सी गाय होती है। दोस्तों आंसर लगाएंगे जर्सी का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जानवरों की नस्लों का पंजीकरण कौन सी संस्था करती है। नाबार्ड संस्थान करती है, कौन सी संस्था करेगी, नाबार्ड संस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सबसे कम फैट प्रतिशत होती है कौन सी नस्ल होती है। दोस्तों आंसर लगाएंगे नीली रावी, 4%, जिसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भैंस की सबसे उग्र नस्ल कौन सी होगी। टोडा को दोस्तों आप सी ऑप्शन मान करके चलें, तो भैंस की जो सबसे उग्र नस्ल होती है वो टोडा ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीले रंग की ऊन किस भेड़ की विशेषता होती है। पीले रंग की जो ऊन होती है दोस्तों नाली नस्ल की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़ की ट्रिपल पर्पज नस्ल कौन सी होती है। ट्रिपल पर्पज नस्ल कौन सी होगी, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे अच्छा मटन एवं चेवान क्रमशः होता है, किसका होता है। नल्लोर और ब्लैक बंगाल का होगा मटन और चेवान सबसे अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भेड़ की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी नस्ल क्रमशः कौन सी होती है। राइट आंसर होगा नल्लोर एंड मांड्या होगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है। तो आंसर होगा आपका जरंगी।
देखिएगा अगला क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल प्लेट उत्पादन के लिए अच्छी होती है? तो दोस्तों आंसर होगा क्राकुल नस्ल। क्वेश्चन है अपना अगला कि भेड़ की नस्ल जिसके नर में सींग पाए जाते हैं जबकि मादा में प्लॉट कंडीशन होती है। राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों गड्डी नस्ल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत में जानवरों एवं पोल्ट्री की कुल नस्लें कितनी हैं? दोस्तों वर्तमान में जो अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से जो नस्लें हैं दोस्तों 202 हैं, ठीक है। और 2012 की जो पशु गणना में थी वो 184 और 2019 की अपनी 19वीं पशु गणना थी उसमें 202 है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में देश में गाय की कुल देसी नस्लें कितनी हैं? वर्तमान में जो गाय की कुल देसी नस्लें हैं दोस्तों वो पूरी 50 बताई गई हैं। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जो थी 43 नस्लें थी। कितनी नस्लें थी? 43 नस्लें। ये तो 2012 में थी लेकिन अब 50 नस्लें हैं। कौन सी में? 2019 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंडे से चूजे का निकलना क्या कहलाता है? अंडे से जो चूजा हो गया चूजे का अंडे से निकलना क्या कहलाएगा दोस्तों? फटाफट से राइट आंसर दे देंगे, हाँ जी हैचिंग बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बकरी की सबसे भारी एवं सबसे सुंदर नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है? आंसर लगाएंगे जमनापुरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चमकदार बालों के साथ क्रीमी सफ़ेद शरीर का रंग किस बकरी की विशेषता होती है? कौन सी बकरी की होगी? जमनापुरी बकरी की यह विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सोवियत चिंचला किसकी नस्ल होती है? खरगोश की यह सोवियत चिंचला होती है जिसमें त्वचा के लिए कितने एलील पाए जाते हैं? 4 एलील पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पश्मीना क्या होता है? पश्मीना जो होता है बकरी के बालों को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी होती है? राइट आंसर लगा लेंगे चेंगबेंगी जो होगी पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल होती है, ठीक है। पश्मीना किससे प्राप्त होती है? चेंग और चेंगबेंगी दोनों से पश्मीना प्राप्त की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भेड़ जैसी बकरी कौन सी होती है? भेड़ जैसी जो बकरी होगी जो आपकी अंगोरा होगी भेड़ जैसी बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बकरी जैसी भेड़ की नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी होती है? आंसर लगाएंगे नल्लोर नस्ल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ऊंट की कुल देसी नस्लें कितनी है? 9 नस्लें होती हैं। भारत में ऊंट की देसी 9 नस्लें हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है? काठियावाड़ी नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़े की नस्ल जो भारतीय सेना एवं पोलो खेल में काम में ली जाती है? मणिपुरी नस्ल काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि सबसे अच्छी अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी होती है? आंसर लगाएंगे दोस्तों व्हाइट लेग हॉर्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सी नस्ल सफ़ेद रंग के अंडे देती है? कौन सी नस्ल की देती है? उपयुक्त सभी तीनों की तीनों जो होंगी व्हाइट सफ़ेद रंग के अंडे देती हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है कि सफ़ेद रंग के अंडे देने वाली मुर्गियां कहां पर होती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा भूमध्य सागर में ये पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मुर्गी की अमेरिकी नस्ल कौन सी होती है? आंसर लगाएंगे जो अमेरिकी नस्ल होगी दोस्तों रीर जो नस्ल होती है अमेरिकी नस्ल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वयस्क बकरी को क्या कहा जाता है? डव और नैनी दोनों ही बोला जाता है वयस्क बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेयर जो अंडे नहीं देती है लोफर जो होती है जो अंडे नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसव के समय बछड़े का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? एबोमेजम भाग होगा जो सबसे अधिक विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि CAZRI कहाँ पर स्थित होगा? तो दोस्तों यह जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि जानवर की त्वचा की सफाई करना एवं नहलाना क्या कहलाएगा? आंसर होगा ग्रूमिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मादा में बधियाकरण को क्या कहा जाता है? मादा में जो बधियाकरण होता है वो स्पाइंग और वो स्टेरोक्टोमी बोला जाएगा, बोथ एंड ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या वाला जानवर कौन सा होता है? आंसर होगा आपका कुत्ता मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गाय की
गाय जिसकी उम्र एक वर्ष से ज़्यादा हो और एक बार भी गाभिन नहीं हो क्या कहलाती है दोस्तों? आंसर होगा वो हाइपर कहलाई जाती है। कौन सी? हाइपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सांड जिसका मांस के लिए बधियाकरण किया जाता है ऐसा कौन सा मांस होता है? स्टीर बुल बोलेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सांड वह सांड जिसका बोझा ढोने के लिए बधियाकरण किया जाता है, राइट आंसर लगाएंगे बुल कोक का बोझा ढोने के लिए बधियाकरण किया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि वोल्वोइंग किस जानवर की विशेषता होता है? घोड़ा, भैंस, सुअर। तो किस जानवर की होगी वोल्वोइंग? बी एंड सी, भैंस और सुअर की जो विशेषता होती है वोल्वोइंग करना होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की गाय की नस्ल कौन सी होती है? आंसर लगाएंगे केंगायम होगी जो गाय की नस्ल होगी, कहाँ की? तमिलनाडु की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खुली आवास प्रणाली में प्रति गाय ढके क्षेत्र की आवश्यकता होती है 3.5 वर्ग मीटर जगह की उसे आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि डेयरी गाय का शुष्क काल ड्राई पीरियड कितने माह का होता है? 2 माह का ड्राई पीरियड शुष्क पीरियड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गाय में सर्विस टाइम कौन सा होता है? गाय के अंदर जो सर्विस टाइम होता है प्रसव के 85 दिन के बाद में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गाय की नई नस्ल कौन सी है? गाय की जो नई नस्ल होगी लखीमी नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नेवल फ्लैप किस नस्ल की विशेषता होती है? तो दोस्तों यह है साहीवाल नस्ल की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घोड़े में फुल माउथ कंडीशन किस उम्र में होती है? तो यह है दोस्तों उसकी 4.5 यानी कि 4.5 वर्ष में घोड़ा फुल माउथ कंडीशन का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाय की नस्ल जिसमें डेवलप अधिक विकसित होती है किसमें होगी? साहीवाल के अंदर डेवलप अधिक विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केनाइन टीथ अनुपस्थित होते हैं गाय, भेड़, घोड़ी तीनों के अंदर केनाइन टीथ अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डेंटल पैड कहाँ किसमें पाया जाता है? गाय के अंदर डेंटल पैड पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पशुओं में उम्र ज्ञात करने का तरीका कौन सा होता है? रिकॉर्ड के द्वारा, सिंगों की वला के द्वारा, भौतिक पशु की भौतिक अवस्था के आधार पर उपरोक्त सभी राइट आंसर लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जानवरों में उम्र निर्धारण करते हैं किससे किया जाता है दोस्तों? कि नीचे के जबड़े के इंसाइजर दांतों को गिन करके उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चिक टीथ होते हैं जो मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं दोस्तों, चिक टीथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केनाइन टीथ एवं अपर इंसाइज अनुपस्थित होते हैं, ये गाय के अंदर अनुपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यदि गाय की सिंग में 4 विलय पाई जाती हैं तो पशु की उम्र क्या होगी दोस्तों? N+2, तो 4+2 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। N+2 इसका सूत्र है, तो N हो गया 4 और +2 हो गया, तो कितनी हो गई? 6 वर्ष मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस जानवर के ऊपर के जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं और उनके स्थान पर डेंटल पैड पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 128 है। राइट आंसर होगा दोस्तों गाय, भैंस, बकरी, इन तीनों के अंदर डेंटल पैड उपस्थित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पशुधन इकाई कौन सी होती है? एक पशुधन जो इकाई होगी दोस्तों, 5 भेड़ों को एक पशुधन इकाई बोल सकते हैं। भैंस की बात करेंगे तो 1 होगा दोस्तों, सुअर की बात करेंगे 3 सुअर 1, आपको उसके अंदर सुअर की जरूरत पड़ेगी 3 सुअरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाय भैंस में शरीर का वजन मापने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला सूत्र कौन सा होता है? गाय भैंस का वजन मापने के लिए सबसे ज़्यादा सिफार्स फॉर्मूला काम में लिया जाएगा, कौन सा? सिफार्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि होम मार्किंग किस जानवर को पहचान करने का तरीका होता है? दोस्तों यह गाय को पहचान करने का सबसे आसान तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हुप मार्किंग किस जानवर को पहचान करने का तरीका होता है? घोड़े को पहचान करने का हुप मार्किंग तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईयर नोचिंग किस जानवर में पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है? सुअर को पहचानने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़, बकरी एवं बछड़ों में पहचान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? टैटूइंग लगा करके, टैटूइंग करके उनके अंदर पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाय, भैंस, ऊँट एवं घोड़ा में पहचान का सबसे अच्छा
तरीका कौन सा होगा दोस्तों, राइट आंसर दे देंगे फटाफट से। ब्रांडिंग होगा जो गाय भैंस एवं ऊंट घोड़ा में पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पहचान का स्थायी तरीका नहीं होता है। ईयर टैगिंग जो होगा पहचान का अस्थायी तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रंग लगाना या पेंट करना तरीका किस जानवर को पहचान करने में काम में लिया जाता है। तो ये भेड़ों को झुंडों को पहचान करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि बकरी भेड़ बकरियों में टैटूइंग का उचित स्थान कौन सा होता है। टैटूइंग का जो उचित स्थान होगा कान की आंतरिक सतह पर दोनों सिराओं के मध्य में टैटूइंग की जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रांडिंग करने की सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है। ब्रांडिंग की जो सबसे अच्छी जगह होगी लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट थिंग जांग का लोअर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गाय की किसी भी ब्यांत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन किस समय में होता है दोस्तों। 6 से 8 सप्ताह के अंदर सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है हर ब्यांत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्री चंद्रभागा पशु मेला एवं गोमती सागर पशु मेला में गाय की कौन सी नस्ल मुख्यतः आती है। दोस्तों इसमें मालवी नस्ल आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाशिवरात्रि पशु मेला एवं गोगा मेड़ी जो पशु मेला मुख्यतः किस नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है। कौन सी नस्ल के लिए दोस्तों, हरियाणा नस्ल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलावड़ा में गाय की मुख्यतः कौन सी नस्ल आती है। दोस्तों इसमें कांकरेज और थार पार्कर दोनों ही नस्लें मुख्यतः आती हैं मल्लीनाथ पशु मेले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भेड़ फार्म शुरू करने के लिए भेड़ की एक इकाई कितनी होती है। दोस्तों 30 भेड़े और एक भेड़े की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुअर फार्म शुरू करने के लिए सुअर की एक इकाई कितनी होगी। 3 सुअरी और 1 सुअर की आपको आवश्यकता होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बकरी फार्म शुरू करने के लिए एक बकरी की इकाई कौन सी होगी। 10 बकरियां और 1 बकरा आपको की आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जखराना सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें किसकी होती हैं। तो ये बकरी की नस्लें होती हैं तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिटी ब्रिड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल पाई जाती है कहाँ पर, भरतपुर के अंदर मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान की सबसे अच्छी दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी होती है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल होती है जो सबसे अच्छा दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बैंगनी रंग की कलंगी वैटल एवं जीभ किस नस्ल की विशेषता होती है। दोस्तों आंसर होगी कड़कनाथ की ये विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा फैट 5% तक पाई जाती है। बारबरी के दूध के अंदर 5% सबसे ज़्यादा फैट वसा मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जखराना नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जखराना नस्ल पाई जाती है अलवर के अंदर मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़ की चोकला नस्ल पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू इन सभी की जगह चोकला नस्ल पाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं होगी। राइट आंसर लगाएंगे जो चेगू होगी बकरी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कश्मीरी सोल, लोई एवं कुल्लू सोल क्रमशः तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाएंगी, जो कश्मीरी सोल है पश्मीना से, लोई किससे बकरवाल से, और कुल्लू सोल गड्डी से प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। सभी को पता होगा केनाइन दांत घोड़ी के अंदर अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भेड़ जिसके सभी दांत गिरे हुए हो वो क्या कहलाएगी। दोस्तों वह भेड़ जिसके सभी दांत गिर जाते हैं वो ग्रूमर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़ में फुल माउथ कंडीशन कब होती है। तो दोस्तों 4 वर्ष की उम्र में भेड़ फुल माउथ कंडीशन की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल स्टार एवं ग्लेवेंस ग्रूव पाई जाती है किसके अंदर, घोड़े के अंदर ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जानवरों में उम्र निर्धारण करने के लिए सबसे अधिक प्रचलित एवं विश्वसनीय विधि कौन सी होती है। दांतों के द्वारा मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विंग टैगिंग किसकी पहचान का तरीका होता है। पोल्ट्री का ये पहचान का तरीका होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईयर नोचिंग में किस आकार का चीरा लगाया जाता है, तो आंसर होगा अपना वी आकार का चीरा लगाया जाता है, वी शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विधि में उत्तकों के जलने के बाद में स्थायी निशान बन जाता है, ब्रांडिंग में ये दो प्रकार से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोल्ड ब्रांडिंग में काम में ली जाने वाली गैस कौन सी गैस होती है, राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों LN2 और शुष्क बर्फ, दोनों की दोनों काम में ली जाती हैं, LN2 हो गई और शुष्क बर्फ दोनों काम में ली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि काले रंग के जानवरों के लिए पहचान का कौन सा तरीका सही नहीं होता है, जो सही नहीं होगा इसमें टैटूइंग नहीं की जाएगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जानवर की पहचान का सबसे नवीनतम तरीका जिसमें जानवर के शरीर पर चिप लगा दी जाती है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग बोला जाएगा, चिप लगाना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूध दोहन के बारे में असत्य कथन कौन सा होगा दोस्तों, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िएगा, राइट आंसर सोच लीजिएगा, पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी विधि होती है, सही है। दूध दोहन के समय कुछ दूध आयन में छोड़ देना चाहिए, ये गलत होगा, बाकी ये तीनों के तीनों सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटे थन वाले जानवरों में एवं दूध की आखिरी धारों को निकालने के लिए काम में ली जाने वाली विधि कौन सी होती है, चुटकी विधि काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मशीन मिल्किंग का हृदय किसे कहा जाता है, प्लास्टर को मशीन मिल्किंग का हृदय बोला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गाय के आगे के थनों एवं पीछे के थनों का दूध अनुपात कितना होगा, 40:60 होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध दोहन के बारे में सत्य कथन नहीं यानी असत्य कौन सा होगा, बाकी के तीनों के तीनों सत्य होंगे, फटाफट से देख लीजिएगा दोस्तों। गाय के दूध में लेफ्ट साइड से निकालना चाहिए, सही है। दूध दोहन अंतराल 12 घंटे का होना चाहिए, ये भी सही है। दूध की आखिरी धारों में शाम के दूध में फैट प्रतिशत ज़्यादा होती है, शाम के दूध में फैट सुबह के दूध से कम होती है, ये आपका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रीशेड्यूल मिल्क निकालने के लिए क्या करना चाहिए, रीशेड्यूल मिल्क को निकालने के लिए पुनः दुग्ध दोहन करना चाहिए या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में दूध सुखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है दोस्तों, अपूर्ण दोहन यानी पशु का दूध निकालना कम कर देना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अर्धायु होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अर्धायु 1.5 से लेकर के 2 मिनट तक इसकी अर्धायु होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाय के दूध का पीएच कितना होता है, तो दोस्तों उसका पीएच होगा 6.4 से 6.66 होगा गाय के दूध का पीएच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऊँटनी कुतिया एवं सूरी में थनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, ऊँटनी में 4, कुतिया में 10, सूरी के अंदर 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़ी में थनों की संख्या कितनी होती है, घोड़े के अंदर थनों की संख्या 2 होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फाइन वूल उत्पादित करने वाली विदेशी नस्ल कौन सी होती है, तो मेरिनो और रैम्बो लाइंट दोनों ही फाइन वूल उत्पादित करने वाली विदेशी नस्लें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मशीन मिल्किंग का सामान्य प्लास्टेशन रेट कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए, मशीन जो मिल्क मशीन होती है दूध निकालने वाली मशीन, उसकी प्लासन रेट, तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 45 से 55 साइकल्स प्रति मिनट के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़ की मटन ब्रीड कौन सी होती है, राइट आंसर लगाएंगे सफोक डोरसेट साउथ ड्रोन, कौन सी होगी, उपरोक्त सभी तीनों की तीनों मटन ब्रीड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़ की सबसे अच्छी मटन ब्रीड क्रमशः कौन सी होगी, सबसे अच्छी मटन ब्रीड जो होगी सफोक ब्रीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चूहे जैसा चेहरा किस नस्ल में होता है, तो राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों चूहे जैसा चेहरा साउथ डाउन का होता है। अगला क्वेश्चन, मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है, स्पेन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि
कि निम्न में से कौन सी सूरी निम्न में से कौन सी सूअर की नस्ल होती है, कौन सी होगी सूअर की नस्ल, लैंड रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी बताई गई है, बीकानेरी नस्ल को सबसे अच्छी ऊँट की नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो कूबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैमिलस बैक्टीरियंस जो होगा दो कूबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूअर की चर्बी क्या कहलाती है, सूअर की चर्बी जो कहलाएगी दोस्तों लार्ड कहलाएगी, यहाँ पर मांस की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूअर का सामान्य मांस क्या कहलाता है, पोर्क कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस क्या कहलाता है, प्रसंस्करण किया हुआ मांस बैकोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूअर की सबसे भारी नस्ल एवं सबसे अच्छा पोर्क उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी हो, भैंस की नहीं सॉरी दोस्तों, सूअर की सबसे भारी नस्ल एवं सबसे अच्छा पोर्क उत्पादित करने वाली नस्लें क्रमशः कौन सी होगी। राइट आंसर लगाएंगे LWY MWY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लैंड रेस नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है, डेनमार्क होगा, इसको सी ऑप्शन लगाएंगे डेनमार्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारी शरीर गहरा भूरा रंग गुंबद नुमा सिर एवं आंखों के ऊपर दसाव पाया जाने वाला किस ऊँट की विशेषता होती है दोस्तों, किस नस्ल के ऊँट की होगी, बीकानेरी ऊँट की। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊँट की सवारी नस्ल कौन सी होती है, जैसलमेरी और बीकानेरी जो होती हैं ऊँट की सवारी नस्लें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पोल्ट्री की सबसे अच्छी लेयर एवं ब्रोलियर नस्ल क्रमशः कौन सी होगी मेरे दोस्तों, व्हाइट लेगहॉर्न और कॉर्नियस जो होगी पोल्ट्री की सबसे अच्छी लेयर एवं ब्रोलियर नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रॉयलर्स जो मेथड किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका होता है दोस्तों, किस जानवर को नियंत्रित करेंगे इस तरीके से, गाय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कड़कनाथ नस्ल के बारे में असत्य कथन कौन सा होगा, कि इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से मानी जाती है, नहीं जी दोस्तों आंध्र प्रदेश से नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कड़कनाथ के मुर्गा एवं मुर्गी का सामान्य वजन कितना होता है, राइट आंसर जो होगा कड़कनाथ सबसे हल्की नस्ल होती है, 1.5 kg तो मेल का होगा यानी मुर्गे का और 1 kg की मुर्गी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लड़ाकू नस्ल लखनऊ का मुर्गा एवं इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी होगी, असील नस्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि असील कहाँ पर पाई जाती है, असील कहाँ पर पाई जाती है, उत्पत्ति स्थल की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर पाई जाती है, तो यह आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान सभी के अंदर पाई जाने वाली नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अच्छी ब्रूडर नस्ल कौन सी होती है, तो जो सबसे अच्छी ब्रूडर नस्ल होगी असील होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि असील के मुर्गा एवं मुर्गी का वजन क्रमशः कितना होता है, तो दोस्तों असील का जो मुर्गा एवं मुर्गी का जो वजन होगा 4.5 kg से 3.5 kg होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है, जर्सी ब्लैक जियांट जो होगी पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्रिड लाइक एप्रांस किस नस्ल की होती है, दोस्तों आंसर लगाएंगे व्हाइट लेगहॉर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पोल्ट्री की सबसे हल्की नस्ल कौन सी होती है, जो कड़कनाथ होती है सबसे हल्की नस्ल हो जाएगी आपकी। हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को किसमें मिलता है, बुलकोक के अंदर हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सींग रोदन का उपयुक्त समय कौन सा होता है, सींग जो रोदन का उपयुक्त समय होगा दोस्तों 1 से 10 दिन की उम्र का होता है सबसे अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सींग रोदन में कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, तो NaOH और KOH दोनों के दोनों सींग रोदन में काम में लिए जाने वाले रसायन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इलेक्ट्रिक डी होर्नर से सींग रोदन करते समय टेम्परेचर टाइम कितना होना चाहिए, तो दोस्तों उसका जो टेम्परेचर टाइम होगा वो 1000 degree Fahrenheit 10 सेकेंड के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बध्याकरण की रक्तविहीन विधि कौन सी होती है,
तो रक्तहीन जो विधि होगी बुड्ढी जो कास्टिडेटर के द्वारा और रबर के छल्लों के द्वारा दोनों ही विधि रक्तहीन विधियाँ होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन बध्याकरण के बारे में असत्य होगा। तो दोस्तों कि सुअर में 6 सप्ताह की उम्र में यह करते हैं, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है, उसे वीनिंग बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वीनिंग बछड़े की वीनिंग की उम्र कितनी होती है, 90 दिन की उसकी वीनिंग की उम्र होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुअर में वीनिंग उम्र कितनी होनी चाहिए, सुअर के अंदर 8 सप्ताह में वीनिंग करानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बकरी का सामान्य जीवन काल कितने दिनों का होता है, 15 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भेड़ का सामान्य जीवन काल होता है कितना, 12 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गाय का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 20 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा टीका ब्रॉयलर में नहीं लगाया जाता है, आंसर होगा एवियन फ्लू का टीका जो है ब्रॉयलर में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लासोटा एवं मुक्तेश्वर स्ट्रेन टीका आता है, किस रोग का आता है दोस्तों, फटाफट से बता देंगे, रानी खेत डिजीज के लिए ये टीका आता है। अगला क्वेश्चन HVT वैक्सीन किस उम्र पर लगाई जाती है, किस उम्र पर लगाई जाएगी दोस्तों, 1 डे ओल्ड चिक के अंदर यह लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रुसेलोसिस का जीवित टीका किसे बोला जाता है, तो दोस्तों इसका जीवित टीका जो बोलाएंगे बी एब्रोटस स्ट्रेन 19 को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवजात बछड़ों द्वारा त्यागा हुआ प्रथम मल क्या कहलाता है, तो उसे बोलेंगे अपन मैक्रोनियम बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, मैक्रोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पोल्ट्री की आवास प्रणाली होती है दोस्तों, तो डीप लिटर पिंजरा प्रणाली, फ्री रेंज, तीनों की तीनों पोल्ट्री की आवास प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा कि निम्न में से कौन सी प्रणाली लेयर एवं ब्रोलियर दोनों के आवास के लिए काम में ली जाती है, आंसर लगाएंगे डीप लिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी प्रणाली ब्रोयलर के लिए काम में नहीं लेते हैं, कौन कौन सी नहीं लेंगे दोस्तों, पिंजरा प्रणाली और बैटरी प्रणाली दोनों ही काम में नहीं ली जाएंगी, ओनली फॉर डीप लिटर प्रणाली काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सबसे सघन आवास व्यवस्था कौन सी होती है, पिंजरा प्रणाली सबसे सघन आवास व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुर्गियों के आवास की सबसे पुरानी पद्धति जिसमें मुर्गियों को खुला छोड़ दिया जाता है, फ्री रेंज प्रणाली के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डीप लिटर प्रणाली में बिछावन की गहराई कितनी होनी चाहिए, 8 से 12 इंच की उनकी गहराई होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे ए डीप लिटर प्रणाली में बिछावन को कम से कम 1 सप्ताह में कितनी बार पलटना चाहिए, कम से कम 1 बार तो पलटा जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डीप लिटर प्रणाली में बिछावन को शुष्क रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसके अंदर क्या मिलाया जाएगा दोस्तों, सुपर फॉस्फेट बुझावा चूनो दोनों मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डीप लिटर प्रणाली एवं पिंजरा प्रणाली में प्रत्येक पक्षी के लिए क्रमशः कितनी जगह होनी चाहिए दोस्तों, 3 से 4 वर्ग फीट तो होनी चाहिए आपकी पिंजरा प्रणाली में, वो डीप लिटर में, और पिंजरा प्रणाली में होनी चाहिए 0.75 वर्ग फीट दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कृत्रिम ब्रूडन में प्रथम सप्ताह का तापमान एवं प्रति पक्षी के लिए फर्श पर कितनी जगह की आवश्यकता होती है, कितनी जगह की आवश्यकता होगी दोस्तों, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो तापमान और 100 से 120 वर्ग सेमी की उसकी जगह होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 250 चूजों के कितने फीडर एवं वाटरेटर की आवश्यकता होती है, कितने की होगी दोस्तों, 3 फीडर और 4 वाटरेटर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक ब्रूडिंग यूनिट होती है, कितनी होती है एक ब्रूडिंग यूनिट में, 250 चूजे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रूडिंग के बारे में असत्य कथन कौन सा होगा दोस्तों,
तो दोस्तों इसमें 250 चूजे के लिए आपको 3 वाटर की पर्याप्त आवश्यकता नहीं होगी, इसमें 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला आवास कौन सा होता है? कौन सा ज्यादा आवास लाएगा? खुला आवास उपयोग में लाया जाता है गाय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्याबिन गाय के लिए खुली आवास प्रणाली में आच्छादित क्षेत्र की आवश्यकता कितनी होगी? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 वर्ग फीट की आवश्यकता उसे होती है ग्याबिन गाय को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस, ग्याबिन गाय एवं सांड के लिए मैंजर की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो जो मैंजर की जो लंबाई होगी इसमें 24 से 30 इंच की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंस के लूज हाउसिंग सिस्टम में कितने वर्ग फीट खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है? 80 से 100 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गाय के आवास में फर्श की ढलान कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी दोस्तों? 1/10 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लूज हाउसिंग में प्रत्येक गाय के लिए कितना फीडिंग स्पेस होना चाहिए? कितना फीडिंग स्पेस होना चाहिए दोस्तों? 2 से 2.5 फीट उसके अंदर फीडिंग स्पेस होना चाहिए प्रत्येक गाय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है? 341 दिन का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जानवर द्वारा अपने ही अपशिष्ट पदार्थ को खाना क्या कहलाएगा? कैप्रोफेजिया कहलाएगा। ठीक है, कि वह उम्र जिस पर जानवर के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं कौन सी उम्र होगी दोस्तों? ब्रोकन माउथ कंडीशन या अवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के नर एवं मादा में अंतर पाया जाता है, केनाइन दांतों का अंतर इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बकरी का गर्भकाल होता है कितने दिनों का होगा? 155 दिनों का होता है बकरी का गर्भकाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह गाय जो हमेशा मद या गर्मी में रहती है, आंसर लगाएंगे दोस्तों निम्फोमैनिक और ब्रूलर दोनों ही बोला जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन, कश्मीरी शॉल तैयार की जाती है, कश्मीरी शॉल किससे तैयार की जाएगी दोस्तों? पश्मीना से कश्मीरी शॉल तैयार की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस का कीचड़ में लौटना क्या कहलाएगा? भैंस का कीचड़ में लौटना क्या कहलाता है? वोल्वोइंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा दोस्तों कि देसी गाय एवं भैंस में अंतर किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर करेंगे हम? डेवलप हॉर्न, उपरोक्त सभी के आधार पर अंतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंद आवास की दोहरी पंक्ति प्रणाली में गायों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी होती है दोस्तों? टेल टू टेल जो होगी सबसे अच्छी प्रणाली होगी स्वास्थ्य के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंद आवास प्रणाली में जो बुल शेड का आकार होना चाहिए, कैसा आकार होना चाहिए बंद आवास प्रणाली के अंदर बुल शेड का दोस्तों? 150 वर्ग फीट क्षेत्रफल का होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि LTLT पाश्चुरीकरण के लिए तापमान समय कितना होना चाहिए? 63 डिग्री सेल्सियस आधे मिनट के लिए, वो 30 मिनट के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि HTST पाश्चुरीकरण के लिए तापमान समय कितना होगा? तो जो राइट आंसर होगा आपका 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध का सबसे स्थिर एवं सबसे ज़्यादा वेरिएबल संगठन क्रमशः कौन सा होता है? लैक्टोज और फैट होगा दोस्तों। कौन सा? लैक्टोज और फैट। अगला क्वेश्चन देखो, गाय के दूध में SNF प्रतिशत एवं फैट प्रतिशत के आधार पर होती है, किस आधार पर होगी? 8.5% तो SNF और 3.5% उसमें फैट होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्टैंडर्ड मिल्क में SNF एवं फैट प्रतिशत की मात्रा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? 8.5% से 4.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय का दूध पीला एवं भैंस का दूध सफ़ेद क्रमशः किसके कारण से होता है?
तो कैरोटीन और कैसिन प्रोटीन के कारण से, ये गाय का दूध तो कैरोटीन के कारण से पीला और भैंस का कैसिन के कारण सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गाय में पिक मिल्क यील्ड अधिकतम दुग्ध उत्पादन होती है, कब होती है अधिकतम दुग्ध उत्पादन, परसरों के 6 से 8 सप्ताह के बाद में। अगला क्वेश्चन, गाय एवं भैंस में क्रमशः दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ब्यांत में होता है दोस्तों, किस ब्यांत के अंदर होगा, गाय के अंदर तो 4 से 6 ब्यांतों में और भैंस के अंदर चौथे भैंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फ्लूसिंग राशन दिया जाता है, फ्लूसिंग राशन कब दिया जाता है, प्रजनन मौसम से पहले दिया जाने वाला राशन फ्लूसिंग राशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेमिंग अप दिया जाता है, कब दिया जाता है स्टेमिंग अप, गर्भावस्था के समय में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कड़कनाथ नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा होता है, धार एवं झाबुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कैप्रोफेजिया किस जानवर में सामान्यतः देखने को मिलती है, खरगोश के अंदर देखने को मिलती है यह, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इम्फेटोफेजिया का अर्थ क्या होता है, कि जानवर के द्वारा नवजात बच्चों को खाना इम्फेटोफेजिया कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खुली आवास प्रणाली में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए दोस्तों 4 वर्ग मीटर की ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुली आवास प्रणाली में एक गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र की आवश्यकता होती है, 180 से 200 वर्ग फीट की उसे आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रोसोलिसिस का बी एब्रोटस स्ट्रीन 19 टीका कब लगाते हैं, तो कब लगाया जाएगा, यह है 4 से 8 माह की बछड़ी के अंदर ओनली फॉर फीमेल में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों कि चेगू किसकी नस्ल होती है, जो चेगू होती है बकरी की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामपुर बुशहर किसकी नस्ल होती है, तो यह भेड़ की नस्ल होती है रामपुर बुशहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी होती है, राइट आंसर होगा असील नस्ल इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ऊँट को प्रतिदिन पीने की पानी की आवश्यकता कितनी होती है, 20 से 40 लीटर पीने की पानी की आवश्यकता होगी इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिचिनोन्ट वैक्सीन किस बीमारी के काम में लेते हैं, तो दोस्तों यह ली जाएगी थालेरियोसिस बीमारी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्ट्रेंस स्पोर वैक्सीन किस बीमारी के काम में ली जाती है, तो दोस्तों यह एंथ्रेक्स बीमारी के काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में पशुगणना कौन कराता है, राजस्थान के अंदर पशुगणना दोस्तों राजस्व मंडल कराता है, लेकिन जो 20वीं पशुगणना हुई थी उसके अंदर दोनों स्टेट हेड बनाए गए थे, कौन कौन से, राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग के द्वारा 20वीं पशुगणना आपकी संपूर्ण कंप्लीट की गई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एक कुबाड़ वाले जो ऊँट का वैज्ञानिक नाम होगा कैमिलस ड्रोमीडेरियंस होगा दोस्तों, क्या, कैमिलस ड्रोमीडेरियंस, दो कुबड़ वाले का कैमिलस बैक्टीरियंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों कि कुत्ते एवं घोड़े के मांस को खाना क्रमशः क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बदियाकरण किए हुए घोड़े को क्या कहते हैं, बदियाकरण किए हुए घोड़े को गिल्ड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, घुंघरू नियांग मेगा एवं धूम किसकी नस्ल होती है, आंसर होगा सुअर की देसी नस्ल हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में पोल्ट्री की कितनी देसी नस्लें हैं, वर्तमान में दोस्तों जो पोल्ट्री की कितनी देसी नस्लें हैं, वर्तमान में जो है इसकी 19 नस्लें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लखीमी किसकी नस्ल होती है, लखीमी जो होती है दोस्तों गाय की नस्ल होती है, किसकी, गाय की नस्ल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुर्गी में ओवी पोषण अंडे देने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है दोस्तों, आंसर होगा 24 से 26 घंटों का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रैम्बोलेट नर एवं चोकला मादा का संकरण कौन सा होता है, अभी वस्त्र होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गैरोल नस्ल पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है, पश्चिम में बंगाल में पाई जाती है गैरोल नस्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काल्फ वुड वैक्सीनेशन किस बीमारी में लगाते हैं, ब्रूसोलिसिस बीमारी के अंदर लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेबीज का पोस्ट बाइट इम्यूनेशन करते हैं कौन से समय में करेंगे, 0, 3, 7, 14, 28, 90 दिन के अंदर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पैरा माउथ एप्रांस किस बकरी की विशेषता होती है दोस्तों, किस बकरी की विशेषता होगी, यह जमनापुरी बकरी की विशेषता हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़ की सबसे छोटी नस्ल मांड्या कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, यह कहाँ पर पाई जाएगी, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गंबोरी बीमारी का टीका कौन सा होता है, गंबोरो बीमारी का टीका कौन सा होगा, राइट आंसर लगाएंगे जी गोरिया होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूरती नस्ल किसकी होती है, सूरती नस्ल दोस्तों किसकी होगी, भैंस की नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊंट की बोझा कौन सी नस्लें बोझा ढोने के काम में ली जाती हैं, कौन सी नस्लें होंगी जो बोझा ढोने के काम में ली जाती हैं, पहाड़ी नस्लें और नदी नस्लें दोनों बोझा ढोने के नस्ल के काम में ली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऊंट की सवारी नस्लें कौन सी होती हैं, मरुस्थलीय नस्लें। अगला क्वेश्चन, स्विमिंग कैमल के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है, स्विमिंग कैमल के नाम से दोस्तों खराई नस्ल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की खराई नस्ल के बारे में असत्य कथन कौन सा होगा दोस्तों, ऊंट की नस्ल के बारे में सत्य कथन, तो दोस्तों खारे पानी के लिए अच्छी अनुकूलन क्षमता होती है, सही है। मैंग्रोव वनस्पति प्रमुख भोजन होता है ऊंट का, सही है। इसकी उत्पत्ति भुज गुजरात से, सभी के सभी सही कथन है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रिफ्यूज्ड मेथड किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका होता है, तो यह गाय को नियंत्रित करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि होबल्स जो मेथड किस जानवर को नियंत्रित करने का काम में ली जाती है, घोड़े को नियंत्रित करने के लिए काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़ के शरीर से ऊन उतारना क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसे बोला जाएगा, भेड़ के शरीर से ऊन उतारना शेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को उतारना ताकि संभोग करने में आसानी रहे क्या कहलाएगा, फटाफट से राइट आंसर देंगे, टैगिंग बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गाय की किस आवास प्रणाली में चारा वितरण आसान होता है, फेस टू फेस विधि में मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दूध दोहन में आसानी से बीमारी फैलने का खतरा कम एवं सफाई व्यवस्था अच्छी किस प्रणाली में होती है दोस्तों, कौन सी प्रणाली में होगी, टेल टू टेल विधि के अंदर यह होती है। तो दोस्तों ये मैनेजमेंट से संबंधित मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो अपना एप्लीकेशन और ये कोर्स सभी के पास में शेयर करने की कोशिश करना।